ये बताइए कि जो आज की रणनीति आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का द्वितीय चरण के लिए, तो खास करके आज आपने जो यहाँ पर रैली की है उसमें क्या विशेष? जब लोहा गर्म होता है तभी चोट मारने में मजा आता है। तो अंतिम घड़ी है, प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी पल, कोई कमी ना छोड़ी जाए। मैं अपील करता हूं कि मतदाता जरूर निकले, कोई चूक ना करें, फिर 5 साल मलाल और पछतावा रह जाता है। अभी मौका है और सरकार की जो अच्छे काम हुए हैं गरीब के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, करोड़ों घर बन गए, शौचालय बन गए, सड़कें बन गई, आवागमन लोगों का आसान हो गया। अगले चरण में हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फिर दोबारा नए चरण से बढ़ाया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में आवास हैं एक अच्छा महत्वाकांक्षी लक्ष्य उसके लिए तय हो, किसानों के लिए अच्छे काम हो, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के लिए सरकारें काम करें। अगर ये सारे काम लोग कराना चाहते हैं तो मतदान जरूर करें। गठबंधन के प्रत्याशी जो है अमरोहा के, वो साफ तौर पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो और मुख्यमंत्री आते हैं तो वो सिर्फ पूजे खोजती। मैंने तो आज नाम भी नहीं लिया बेचारे दानिश का। उनके यहाँ कंफ्यूजन है कौन उतरेगा और कौन लड़ेगा और किसका नामांकन होगा, किसको सिंबल मिलेगा, किसी को मालूम ही नहीं, उन्हें खुद नहीं मालूम। अभी फिर चर्चा चल रही है कि खुद लड़ेंगे। राजनीति के मूल संस्कार को वो समझें, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, सबकी कोशिश होती है सत्ता में आओ और अपने काम हो। आम आदमी पार्टी, हमने अपनी नीति नहीं छोड़ी, विचार नहीं छोड़े, उन्हीं विचारों को लेकर चले। गुजरात से इन्होंने जो है तानाशाही की शुरुआत कर दी है सूरत से। ये डर बनाया जा रहा है भाई, ये आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अब इनकी बात पे विश्वास करें प्रधानमंत्री पे करेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं संविधान की शपथ मैंने ली है, संविधान का सम्मान मैं करता हूँ, देश के लिए ग्रंथ है ये भारत का संविधान, कोई नहीं बदल सकता। भारत के संविधान की जो मूल धारणा है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सरकार किसी की हो जाए। और इतना दो टूक जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तब भी ये जो बेकार की बात कर रहे हैं कि आगे चुनाव ही नहीं होगा, ईवीएम खराब है फिर भी हमें वोट दे दो, तो इनके लिए वोट क्यों देखो? 2024 में भाजपा की सरकार बनती है, 2024 में अगर भाजपा की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मुझे लगता नहीं किसी भी, उन्होंने जो अर्थ के जानकार हैं, उनके यहाँ वित्त मंत्री रहे, अर्थ के बड़े शास्त्री हैं, उन्होंने उनसे भी पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया कि जो आप बांटने की बात कर रहे हो कि हर जो है साल में 1 लाख हर गरीब को दे दोगे, अप्रेंटिसशिप एक्ट हर नौजवान को पैसा दोगे, ये संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे और कितना इसमें लागत लगेगी? वो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद नहीं बता पाए कि कितना पैसा लगेगा। तो अब तक आपने हिसाब ही नहीं किया कि कितना पैसा इन योजनाओं के लिए चाहिए। जब आप क्रियान्वित करोगे सरकार में, कल इनको बैठा भी देते हैं तो ये तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देंगे। दानिश अली की सभा में 5 बात कार्यकर्ताओं में आपस में बातचीत हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं कुछ नहीं हूँ, देखो हमारे यहाँ के लोग थोड़े ऐसे ज्यादा हैं, वो तो भाजपा की सरकार वो जुबान पे कम और उसमें एकदम बॉडी को एक्शन में ले आते हैं। 2024 में भाजपा की सरकार बनती है, आरएनटी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी सरकार में, ये मंत्रालय मिलेगा? देखिए ये भागीदारी हम थोड़ी ना सुनिश्चित करेंगे, ये तो प्रधानमंत्री की क्रिया होती है, ये उनकी सोच और विजन होता है, वो टीम बनाते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं। और हमारी कोई मांग नहीं है मंत्री बनने के लिए, मंत्रालय के लिए सरकार में नहीं आए, ये तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है और एक इच्छा शक्ति जाहिर की सरकार ने कि किसानों के लिए सरकार और काम करना चाहती है, इसलिए हम लोग साथ आए। वो तो हमारे लोकदल के लोग जानते ही हैं, अब पार्टी के विस्तार के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कार्यकर्ता आगे उसमें ध्यान दें। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आज आप आए हैं किसानों का क्या संदेश? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।